हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। और पढ़ाई कर रहे हो ना तुम लोग? ठीक ठाक से ठीक है। अपने आप को मोटिवेटेड रखो और पढ़ो, कोई टेंशन नहीं है। शुरुआत में समझ में नहीं आए, बार बार बोल रहे हैं, घबराना नहीं है। ऐसा नहीं कि घबरा के छोड़ दो, साइंस बैकग्राउंड से भाग जाओ कहीं और, ठीक है। ये आपके फ्यूचर के लिए जरूरी है और आपको ये आगे डेफिनेटली किसी भी फील्ड में, जेई और नीट में ही नहीं, आगे किसी गवर्नमेंट जॉब या किसी भी यूपीएससी बीपीएससी की तैयारी में आप आओगे, स्टेट पीसीएस में, तो सब जगह आपको साइंस ये काम आने वाली है, ठीक है। तो इसलिए अभी घबराना नहीं है, अभी आपके पास सीखने का टाइम है। आप स्टार्ट की हो, शुरुआत की हो, तो शुरुआत में सीखा जाता है, ना कि उसके ऊपर रिसर्च किया जाता है। तो शुरुआत में आप चीज़ों को सीखो, जानो। 2-4 महीने 6 महीना जब तक सब सब्जेक्ट्स है उसको जानोगे नहीं, तब तक आपको वो डेप्थ नॉलेज और वो जो सोचते हो कि एक बार में हम एक बार ट्रिक लगाएं, वो जो एप्टीट्यूड और इस समय चलता है एप्टीट्यूड में, उस टाइप से नहीं होने वाली है। क्योंकि ये साइंस है, साइंस में सब कुछ फैक्ट्स बेस्ड है, सबका कंसेप्ट है, ठीक है। ये हवा में नहीं चल सकता, इसके लिए आपको कंसेप्ट का ऑपरेशन एनालिसिस करना पड़ता है, ठीक है। तो देखो, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं आज क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर को कैसे रिजॉल्व करते हैं, उसी को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। क्योंकि पिछले क्लास में हम लोग तो बेसिक कर लिए थे कि कैसे वेक्टर को रिजॉल्व कर लेते हैं, कैसे कैसे हम लोग निकाल सकते हैं। तो देखो, एक बार और डिस्कस कर लेते हैं। कोई हमारा इस टाइप से एक्स वाई एक्सिस है, इस टाइप से कोई एक वेक्टर है, मान लेते हैं ये ए वेक्टर है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, कोई वेक्टर को जो रिजॉल्व करते हैं दो एक्सिस के लॉन्ग, और वो दोनों एक्सिस क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर। मतलब अगर ये इस दोनों एक्स और वाई एक्सिस के लॉन्ग हम लोग रिजोल्व कर रहे हैं, कब रिजोल्व कर पाते हैं, जब दोनों परपेंडिकुलर हो, ठीक है। तो रिजोल्व करते हैं तो कितना कितना आता है। तो देखो, जो ये हमारा ये जो एक्स के लॉन्ग है, ये आता है ए कॉस थीटा, ठीक है, ठीक है। और ये आता है हमारा ए साइन थीटा, अगर ये थीटा है तो ये आता है ए साइन थीटा, ठीक है। ये दो कंपोनेंट आता है वेक्टर का, ए कॉस थीटा एंड ए साइन थीटा। ए कॉस थीटा किसके अलोंग आया, एक्स के अलोंग, और ए साइन थीटा वाई के अलोंग आया। क्या हमेशा एक्स के अलोंग कॉस थीटा का टर्म आएगा और वाई के अलोंग साइन थीटा का टर्म आएगा? बिल्कुल नहीं। हम लोग क्या बताए थे कि जिसके साथ वो एंगल बनाएगा वेक्टर, उसके अलोंग कॉस थीटा का टर्म आएगा और दूसरे वाले एक्सिस के अलोंग हमारा साइन थीटा का टर्म आएगा। और एक चीज और हम लोग बात की थी, क्या हमारा जो ये एक्स और वाई एक्सिस है हमेशा इसी तरह हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में होगा? बिल्कुल नहीं। ये कैसे भी हो सकता है, इधर हो सकता है, आप ऐसे रिजोल्व कर सकते हो। फिर इस केस में क्या होगा, अब आपके लिए एक्स इधर ले लो और वाई इधर ले लो। कोई जरूरी नहीं है कि हमारा जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है एक्स और वाई, ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं। किसी भी एंगल पे हो सकता है, किसी भी डायरेक्शन पे हो सकता है, बट कंडीशन क्या है, एक्स और वाई क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो यहाँ पे भी आप क्या कर सकते हो, रिजोल्व कर सकते हो। ये आ जाएगा कितना, ए, अगर ये ए वेक्टर है तो ये ए कॉस थीटा आ जाएगा और ये ए साइन थीटा आ जाएगा। किसी भी डायरेक्शन में आप कोऑर्डिनेट एक्सिस ले सकते हो, ऐसे ले लो, ऐसे ले लो, वी आर फ्री टू चूज कोऑर्डिनेट एक्सिस, बट द बोथ एक्सिस एक्स एंड वाई शुड बी परपेंडिकुलर, ठीक है। और ये हमारे हम लोग ले सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में। तो यहाँ पे भी आप क्या करो, अब ये अगर आपका वेक्टर है, अगर ये थीटा है, थीटा है, तो आपका ये रिजॉल्व होकर क्या आ जाएगा, ए, अगर ये ए वेक्टर है तो ये क्या आ जाएगा, ए कॉस थीटा। देखो सब जगह, देखो कोऑर्डिनेट एक्सिस के जो हम लोग ये इसको रोटेट करने से क्या हमारा वेक्टर का जो कंपोनेंट है उस पर कोई फर्क पड़ा? बिल्कुल नहीं फर्क पड़ा। हर जगह देखो एक्स के लॉन्ग हमारा इस एक्सिस के लॉन्ग, एक्स एक्सिस के लॉन्ग कॉस थीटा साइन थीटा, यहाँ पे भी देखो कॉस थीटा साइन थीटा, यहाँ पे भी वाई के लॉन्ग साइन थीटा, यहाँ पे भी देखो एक्स के लॉन्ग ए कॉस थीटा, वाई के लॉन्ग ए साइन थीटा। तो ये अपने माइंड में बैठा लो और इसको फिक्स कर लो कि कोई जरूरी नहीं है कि हमारा एक्स और वाई एक्सिस ऐसे ही होगा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में, हम लोग किसी भी डायरेक्शन में ले सकते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो आप लोग मोटे मोटे अक्षर में लिख लो कि वी आर फ्री टू चूज कोऑर्डिनेट एक्सिस इन एनी डायरेक्शन, बट द बोथ द एक्सिस एक्स एंड वाई शुड बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। ये होना चाहिए, ऐसा नहीं ये दोनों एक्सिस परपेंडिकुलर होना चाहिए। और हम लोग जब एक्सिस को रोटेट करते हैं, हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस को मतलब पूरा सिस्टम को, ऐसा नहीं कि एक्स को और वाई को रोटेट कर दो, पूरा सिस्टम को एक्स और वाई जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है इसको अगर रोटेट करते हैं तो क्या हमारे जो ये कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर है एक्स और वाई उस पर कोई फर्क पड़ा? बिल्कुल नहीं पड़ा, देख सकते हो सेम है। तो ये भी चीज आप लिख लो कि हम लोग जब एक्सिस को कोऑर्डिनेट एक्सिस को रोटेट करेंगे किसी भी एंगल से, तो हमारा जो ये है
कंपोनेंट ऑफ वेक्टर है वो चेंज नहीं होगा, वो कांस्टेंट होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना आप लोग। हाँ, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर उस एक्सिस के अलोंग, नए वाले कोऑर्डिनेट सिस्टम के अलोंग कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, नए वाले कोऑर्डिनेट सिस्टम के अलोंग, हाँ ये एक चीज रखना, नए वाले कोऑर्डिनेट सिस्टम के अलोंग जो उसका कंपोनेंट है वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, बट अगर पुराने वाले के रिस्पेक्ट में लेंगे तो डेफिनेटली चेंज होगा, क्योंकि हमारा जो कोऑर्डिनेट सिस्टम ही रोटेट कर गया है। तो ये माइंड में रखना कि हमारा जो नया वाला कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसके अलोंग जो उसका कंपोनेंट है चेंज नहीं होगा, बट पुराने वाले जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसके रिस्पेक्ट में चेंज होगा। ये चीज ध्यान रखना। देखो ऐसे इस तरह से हम लोग रिजोल्व कर सकते हैं, ये तुम्हारा कोऑर्डिनेट के रूप में हो गया। अब मान लो कि कोई एक ऑब्जेक्ट है अपने पास, ये ऑब्जेक्ट है, मास है, मान लो एम मास का एक बॉडी है, ग्राउंड पे ऐसे रखा हुआ है, इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है इस टाइप से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से 30 डिग्री पे, कितना न्यूटन का, 5 न्यूटन का। ये फोर्स लग रहा है इसके ऊपर, 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है इसके ऊपर। ठीक है, तो आप लोग से पूछ रहा है इस फोर्स को रिजोल्व कर लो एक्स और वाई के अलोंग, कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलोंग इसको रिजोल्व करो। तो देखो हम लोग क्या करेंगे, इसको एक्स ले लेंगे और यहां पे क्या करेंगे, इस टाइप से वाई ले लेंगे, ये एक्स और वाई आ गया। ठीक है, अब देखो ये जो फोर्स है एफ, ये किसके साथ एंगल बना रहा है 30 डिग्री, ये एक्स के साथ इस टाइप से। तो इसके साथ जिसके साथ एंगल बनाता है उस एक्सिस के साथ कौन सा टर्म आता है, वो आता है हमारा कॉस का, ये कितना हो जाएगा 5 cos 30 डिग्री। तो दूसरा वाला टर्म कितना हो जाएगा, 5 sin 30 डिग्री। ये हमेशा माइंड में रखना, जिसके साथ एंगल बनाएगा उसके साथ कॉस का टर्म आएगा, दूसरे वाले जो एक्सिस है उसके साथ क्या आएगा, साइन का टर्म आएगा। तो देखो ये कितना हो जाएगा 5 cos 30 और साइन 30, ये दो कोऑर्डिनेट एक्सिस आ गया, इसका दो कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलोंग हमारा क्या आ गया, कंपोनेंट आ गया इस फोर्स का। ठीक है, इसी तरह मान लो इस टाइप से फोर्स लग रहा है इसके ऊपर, इसको पुश कर रहा है, पुल नहीं कर रहा है, पुशिंग नेचर का है। ये कितना है, ये भी 30 डिग्री पे ले लो या 45 डिग्री ले लो, और ये कितना डिग्री, 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है इसके ऊपर। ठीक है, ये 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और कुछ इस टाइप से पुशिंग नहीं चलता है 30 डिग्री पे हॉरिजॉन्टल के साथ। ठीक है, तो इसका दो कंपोनेंट फिर होगा, एक किधर की होगा, ये वर्टिकल डायरेक्शन में, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, अगर एक्स और वाई एक्सिस इसको अगर मानते हैं हम लोग। देखो ये इस डायरेक्शन में पुश करेगा इसको, ऊपर वाला जो कंपोनेंट होगा वाई कंपोनेंट वो नीचे की तरफ पुश करेगा, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 10 sin 45। देखो ये 45 है, 45 किसके साथ है, एक्स एक्सिस के साथ, तो एक्स के साथ ये जो बनाएगा ये कितना हो जाएगा 10 cos 45, मतलब जिसके साथ एंगल बनाता है वहां देखो कॉस का टर्म आ रहा है। यहाँ पे देखो यहाँ ये कितना आ जाएगा 10 sin 45। अब उसके मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों, कि साइन 45 का वैल्यू होता है और कॉस 45 दोनों का वैल्यू सेम होता है, वो कितना होता है 1/√2, ये कितना हो जाएगा 10/√2। तो जब इसको रिजोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5√2, ये भी 5√2 न्यूटन, ये भी 5√2 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, तो ये रिजोल्व करने का तरीका है स्टेप से। ठीक है, किसी भी फोर्स को, किसी भी बॉडी पे कोई फोर्स लग रहा है तो आप क्या कर सकते हो, दो परपेंडिकुलर एक्सिस में क्या कर सकते हो, रिजोल्व कर सकते हो। वो परपेंडिकुलर एक्सिस क्या होगा, वो कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होगा, वो डिपेंड करेगा आपका क्वेश्चंस जो है कैसा है, सॉल्यूशंस कैसा है उसका। धीरे धीरे चीजें आपको जैसे जैसे न्यूटन्स लॉज में जाएंगे ये सब चीजें आपके लिए और क्लियर होगा। ठीक है, बट अभी आप बेसिक जानो। अब देखो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस को हम लोग रिजोल्व कर लिए, बट इस कोऑर्डिनेट एक्सिस इस वेक्टर को कोऑर्डिनेट एक्सिस में हम लोग रिजोल्व कर लेते हैं एक्स और वाई में। अब इस जो वेक्टर है इसको रिजोल्व कर रहे हैं अगर हम लोग एक्स और वाई के अलोंग, दो परपेंडिकुलर एक्सिस के अलोंग, तो इसको कार्टेशियन जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है कैसे लिख सकते हैं, आईजे के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये देखो अगर मान लो ये हमारा एक्स और वाई है, ठीक है, अगर ये वेक्टर हमारा बी वेक्टर है, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड b है, कोई वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, b है। ठीक है, ये b मैग्नीट्यूड का वेक्टर है, अगर ये थीटा एंगल बना रहा है,
ये बी मैग्नीट्यूड है इसका, और आपको बताया जा रहा है कि आप बताइए कि इस वेक्टर को आप कैसे लिख सकते हो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, इस जो वेक्टर है इस वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में किस टाइप से। तो सबसे पहले क्या करो, इसका कंपोनेंट ब्रेक करो, तो ये क्या हो जाएगा, बी कॉस थीटा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, बी साइन थीटा, ठीक है। तो आप बी वेक्टर को कैसे लिख सकते हो, अब यहां से कैसे लिख सकते हो, ठीक है, देखो बी कॉस थीटा जो इसका कंपोनेंट आया है किसके अलोंग आया है, एक्स एक्सिस के अलोंग। तो अगर ये एक्स एक्सिस के अलोंग जो आया है ये क्या है, मैग्नीट्यूड है, इस मैग्नीट्यूड में एक्स एक्सिस का जो डायरेक्शन लगा दे तो ये एक्स एक्सिस के अलोंग जो वेक्टर आया है ये, इस अगर इसका जो वेक्टर आएगा रिजॉल्व होगा तो वेक्टर ही आएगा, क्योंकि अगर ये मैग्नीट्यूड लिए हैं बट रिजॉल्व होकर ये तो एक वेक्टर ही आएगा, ये वेक्टर ही आएगा यहाँ पे वाई के अलोंग, और ये भी एक वेक्टर होगा, ठीक है। तो ये जो वेक्टर होगा इस वेक्टर का कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो मैग्नीट्यूड अपने को पता है ये बी कॉस थीटा है, हम लोग को पता है कि एक्सिस के अलोंग किसी भी चीज का डायरेक्शन, किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्या करते हैं, यूनिट वेक्टर ऑफ एक्स एक्सिस को यूज करते हैं, मतलब इसके साथ कुछ इस टाइप से यूनिट वेक्टर ऑफ एक्स एक्सिस क्या है, आई कैप। तो ये क्या करेंगे, बी कॉस थीटा आई कैप से यूनिट कर देंगे, मतलब इससे क्या पता चल रहा है कि जो इसका कंपोनेंट है बी वेक्टर का जो एक्सिस के अलोंग है उसका मैग्नीट्यूड कितना है, बी कॉस थीटा, और आई क्या बता रहा है, आई कैप ये बता रहा है कि ये एक्स एक्सिस के अलोंग बी कॉस थीटा का, बी कॉस थीटा मैग्नीट्यूड का एक वेक्टर, इस बी वेक्टर का एक कंपोनेंट है, ठीक है। उसी तरह कि देखो इसका एक कंपोनेंट बी साइन थीटा जो है वो वाई एक्सिस के अलोंग है, तो वाई एक्सिस के अलोंग वेक्टर के फॉर्म में लिखने के लिए क्या करते हैं, बस मैग्नीट्यूड लो और उसमें वाई एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है वो लगाओ, तो वाई एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या होता है, जे कैप होता है, तो आप इस टाइप से रिप्रेजेंट कर दोगे। तो ये कंप्लीट वेक्टर हो गया, ये कंप्लीट वेक्टर हो गया, हम लोग रिप्रेजेंट कर दिए इस वेक्टर को। अगर कोई एक वेक्टर इसका ओ ले लो, तो ए वेक्टर का जो रिप्रेजेंटेशन है वो कुछ इस टाइप से होगा, अगर इसको हम लोग बी मानते हैं, ओ वेक्टर को अलग अगर हम लोग बी वेक्टर मानते हैं, तो ये बी वेक्टर ये हो गया जिसका मैग्नीट्यूड क्या था, बी था, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्या करेंगे पहले रिजॉल्व करेंगे। अगर अपने को कोऑर्डिनेट एक्सिस का नहीं पता है, ये मैग्नीट्यूड पता है, ठीक है, जब कोऑर्डिनेट एक्सिस पता होता था उस टाइम में तो हम लोग लिख लेते थे, बट अभी कोऑर्डिनेट एक्सिस नहीं पता है, अभी अपने को क्या पता है, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता है, और आप लोग को बोला गया है कि वेक्टर फॉर्म में लिखो। तो ये भी दो तरीके से लिख सकते हैं क्या, एक तो कोऑर्डिनेट एक्सिस से, जब हम लोग एक्स और वाई दिया होता था तो हम लोग यहाँ पर लिखते थे इस वेक्टर का पोजिशन वेक्टर, ठीक है, बट यहाँ पे वो नहीं है, यहाँ पे क्या गिवेन है, यहाँ गिवेन है इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अगर मैग्नीट्यूड गिवेन हो तो क्या करोगे, सबसे पहले उस वेक्टर को दो परपेंडिकुलर एक्सिस के अलोंग क्या करोगे, रिजॉल्व करोगे, ठीक है। रिजॉल्व करने के बाद एक्स एक्सिस वाले जो कंपोनेंट है उसको आई के साथ लिखोगे, वाई एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट आया है उसको जे के साथ लिखोगे, अगर जेड होता है तो जेड वाले का किसके साथ लिखते हैं, के साथ लिखते हैं, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से हो जाएगा। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। एक दो क्वेश्चन करवाते हैं इस पे, ये प्रैक्टिस हो जाएगा, कंफ्यूज नहीं होना। पहले वाला जो हम लोग करवाए थे पोजिशन वेक्टर, वो कोऑर्डिनेट एक्सिस गिवन था, उस केस में क्या गिवन था, ये पॉइंट था, इसका कोऑर्डिनेट पता था आपको एक्स और वाई, ठीक है, ठीक है। बट इस क्वेश्चन में देन आप लोग इस ये जो वेक्टर होता था ए, इस वेक्टर का पोजिशन वेक्टर लिखते थे, बट इस केस में आपको कोऑर्डिनेट एक्सिस इस ए पॉइंट का नहीं पता, इस केस में आपको पता है ओए जो वेक्टर है, ओए वेक्टर है ये, ओए वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता है, ये जो ओए वेक्टर है ये जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिस एरो से, एज यू नो कि जो एरो ऑफ लेंथ ऑफ एरो वेक्टर रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर, ठीक है, मतलब जो किसी वेक्टर को अगर किसी एरो से रिप्रेजेंट करते हैं तो उस एरो का जो लेंथ है वो मैग्नीट्यूड बताता है, ठीक है। तो अगर हम लोग मान लें ओ एक वेक्टर अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं कुछ इस एरो से और इसका मैग्नीट्यूड बी है, तो हम लोग और हम लोग को लिखना है इस वेक्टर का, इस ओ एक वेक्टर को लिखना है, तो क्या किए थे अभी हम लोग पहले इस वेक्टर को रिजॉल्व किए थे दो परपेंडिकुलर एक्सिस एक्स और वाई के लिए, ठीक है। तो ये कंपोनेंट आया था बी कॉस थीटा और ये कंपोनेंट आया था बी साइन थीटा। देखो इस केस में ये दोनों डिफरेंट केस है, इसमें क्या था हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस गिवन था, सॉरी ये गिवन था कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट गिवन था, बट इस केस में क्या पता है आपको लेंथ ऑफ एरो पता है और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर पता है, देन यू हैव टू राइट द वेक्टर, ठीक है। तो इस केस में हम लोग वेक्टर को पहले रिजॉल्व करते हैं और ये पता है हम लोगों को कितना एंगल पे है, तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं वेक्टर को रिजॉल्व करते हैं और फिर दो परपेंडिकुलर एक्सिस के अलावा, वेक्टर को हमेशा हम लोग रिजॉल्व करेंगे दो परपेंडिकुलर एक्सिस के अलावा, ये एक्सिस कैसे किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है बट एक्सिस शुड बी परपेंडिकुलर टू इच अदर, मतलब जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो किसी भी
किसी भी एंगल पर कैसे भी हो सकता है, जैसे हम बताएं प्लेन में कोई जरूरी नहीं कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल हो, बट दोनों एक्स और वाई क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए, और उसके अलावा हम लोग कोई भी वेक्टर को हम लोग रिजॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और उस वेक्टर को रिजॉल्व करने के बाद अगर मैग्नीट्यूड हम लोग को पता है तो कुछ इस टाइप से हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। आई होप कितना पता होगा आपको। अब देखो कोई एक बॉडी है जिसके ऊपर अभी जो हम लोग लगाए थे सेम वही क्वेश्चन है। देखो 5 न्यूटन का जो एक फोर्स है जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, फोर्स लगाते हैं इधर है, और ये 5 न्यूटन का फोर्स है, ठीक है। 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और ये हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री पे है, तो इस फोर्स का ये लिखो, फोर्स को वेक्टर फॉर्म में लिखो और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखो। तो क्या करोगे कि जब भी कभी ऐसा बोला जाए आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम मतलब आईजे के फॉर्म में लिखना है और फोर्स का मैग्नीट्यूड पता है और वो फोर्स किसी भी बॉडी पे कितने एंगल पे लग रहा है वो पता है, तो आपको क्या करना है उस फोर्स को क्या करो, कोई भी वेक्टर, फोर्स ही नहीं कोई भी वेक्टर, उस वेक्टर को क्या करो दो परपेंडिकुलर एक्सिस के अलावा रिजॉल्व कर लो। मतलब यहां पर दो परपेंडिकुलर एक्सिस क्या होगा, एक्स और वाई इस टाइप से लेंगे हम लोग, एक्स और वाई हम लोग कुछ इस टाइप से लेंगे, ठीक है। एक्स और वाई आ गए, तो देखो x के लॉन्ग, x के लॉन्ग क्या आएगा इसका कंपोनेंट, x के लॉन्ग देखो ये आ जाएगा, ये देखो x के लॉन्ग आ जाएगा 5 cos 30 और y के लॉन्ग आ जाएगा 5 sin 30, ठीक है। तो अब इस वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट हम लोग लिख देंगे जो f वेक्टर है इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड पता है अपने को फोर्स को, फोर्स का दो एक्सिस के अलोंग कितना है, x के अलोंग कितना है 5 cos 30 और किधर है x, x के अलोंग, तो x के लिए अगर इसमें हम लोग x का जो यूनिट वेक्टर है x डायरेक्शन के अलोंग जो यूनिट वेक्टर है वो अगर लगा दें तो ये क्या हो जाएगा वेक्टर फॉर्म रिप्रेजेंट करेगा उस डायरेक्शन में फोर्स का, ये 5 cos 30 आए। और उसी टाइप से देखो इस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है y के अलोंग कितना है 5 sin 30, ये 5 है और ये sin 30 है, तो 5 sin 30 है और किधर है y के अलोंग, तो y के अलोंग इसमें भी फिर क्या करेंगे जो y के अलोंग यूनिट वेक्टर होता है y किसी भी वेक्टर का जो डायरेक्शन शो करने के लिए y एक्सिस के अलोंग लेते हैं वो क्या लेते हैं j कैप लेते हैं। तो अगर मैग्नीट्यूड पता है तो इस मैग्नीट्यूड में साथ अगर हम वो डायरेक्शन ले लें तो वो कंप्लीट वेक्टर बता देगा, उस फोर्स को एक वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देगा उस एक्सिस के अलोंग, मतलब किस एक्सिस के अलोंग, वाई एक्सिस के अलोंग अगर इसमें हम लोग जे लगा दें, ठीक है। क्यों कि ये इतना मैग्नीट्यूड है वाई एक्सिस के अलोंग और ये इतना मैग्नीट्यूड है एक्स एक्सिस के अलोंग, इसका मतलब ये हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं जब हमको क्या पता हो वो वेक्टर कितने एंगल पे किसी ऑब्जेक्ट के साथ है और कितना उसका मैग्नीट्यूड है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं उसको दो परपेंडिकुलर एक्सिस के अलोंग रिजॉल्व करके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए आपको पहले क्या आना चाहिए, वेक्टर को कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, रिजॉल्व करने का तरीका जिसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो देखो इस टाइप से हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या कर सकते हैं, दो वेक्टर को रिजॉल्व कर सकते, वेक्टर को रिजॉल्व, वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिजॉल्व करके फिर एक कंप्लीट वेक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर ये 5 न्यूटन क्या था, एक फोर्स एक वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड है, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड है, बट ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे लिखेंगे, तो ये कुछ इस टाइप से लिखेंगे। तो ये माइंड में रखना आपको, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखने के लिए किसी वेक्टर को या तो आपको उस वेक्टर का अगर कोई भी किसी बॉडी पे कोई फोर्स वेलोसिटी है, किसी बॉडी का वेलोसिटी है तो उसका मैग्नीट्यूड पता चाहिए और किस डायरेक्शन में उसका है, मतलब कितना एंगल पर किसके साथ है वो पता होना चाहिए, देन यू कैन राइट द वेक्टर लाइक दिस, ठीक है। इस केस में अगर सिर्फ 5 न्यूटन पता होता तो आप नहीं कर सकते थे, एंगल अगर नहीं पता होता था, ठीक है। तो एंगल भी पता होना चाहिए, मतलब डायरेक्शन भी पता होना चाहिए, किस डायरेक्शन में वो फोर्स लग रहा है, किस मतलब कोई वेक्टर है वो किस डायरेक्शन में है और उसका मैग्नीट्यूड कितना है वो पता होना चाहिए, आप उस वेक्टर को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिख सकते हो, ठीक है। बट पोजीशन वेक्टर के केस में क्या था, जब किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर लिख रहे थे तो उस केस में अपने को क्या चाहिए, उस वेक्टर का ओनली कोऑर्डिनेट्स चाहिए, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स चाहिए आपको, और उस कोऑर्डिनेट से हम लोग क्या लिख सकते हैं, उस वेक्टर का
पोजिशन वेक्टर, उस पॉइंट का पोजिशन वेक्टर लिख सकते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो ये दोनों में ये मत करना, कंफ्यूज मत होना, ये क्या चीज है, ये एक वेक्टर का, एक वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन है। वो क्या था हमारा, किसी भी पॉइंट का, किसी भी लोकेशन का पोजिशन वेक्टर हम लोग आई जे के फॉर्म में लिख सकते, लिख रहे थे, मतलब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिख रहे थे। ठीक है, तो इतना पता चल गया कि किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या चाहिए अपने को, मैग्नीट्यूड और एज वेल एज डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड पता है और डायरेक्शन पता है, तो हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम मतलब आई जे के फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, हम लोग वेक्टर को क्या कर लेंगे, एक्सिस के अलोंग रिजॉल्व कर लेंगे, एक्सिस के अलोंग रिजॉल्व कर लेंगे, जितना जिस एक्सिस के अलोंग आया उसका मैग्नीट्यूड, उसके साथ उसका यूनिट वेक्टर लगा देंगे, बस हो जाएगा डायरेक्ट। मतलब अब एक बार इसका जनरल कंडीशन देख लो, अगर मान लो अपने को कुछ नहीं पता, एक वेक्टर है, कोई वेक्टर था यहाँ पे, ठीक है, कोई वेक्टर ऐसी जिसका मैग्नीट्यूड, कोई एक वेक्टर ऐसी, ठीक है, सी वेक्टर है, ठीक है, जिसका ये थीटा एंगल, थीटा एंगल पे नहीं चाहिए, छोड़ो, इसका मैग्नीट्यूड एक्स के अलोंग ए आया है और वाई के अलोंग बी आया है, ठीक है, वाई के अलोंग बी आया है और एक्स के अलोंग ए आया है, ठीक है। तो इस वेक्टर का कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कुछ इस टाइप से। तो देखो एक्स के अलोंग कितना है, मैग्नीट्यूड ए, तो हम लोग क्या लिखेंगे, ए आई, डायरेक्शन लगा देंगे इस एक्स के अलोंग, डायरेक्शन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आई कैप से, क्योंकि डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग किसको यूज करते हैं, यूनिट वेक्टर को। तो यूनिट एक्स के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है वो क्या होता है, आई होता है, दैट्स व्हाई मैग्नीट्यूड और ये यूनिट वेक्टर एक कंबाइंड वेक्टर बना दिया इधर एक्स के अलोंग, ठीक है। ठीक उसी टाइप से इसका एक कंपोनेंट वाई के अलोंग भी है, जिसका मैग्नीट्यूड कितना है बी, और वाई के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है उसको कैसे लिखते हैं, जे कैप से। मतलब क्यों लिखे जे कैप, क्योंकि किसी भी वेक्टर का, किसी भी वेक्टर का अगर डायरेक्शन हम लोग को दिखाना हो किसी भी, किसी भी वेक्टर के अलोंग, तो उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर को यूज करते हैं। मतलब अगर कोई वेक्टर है, अगर आपको कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलोंग अगर डायरेक्शन चाहिए, तो उस वेक्टर क्या करो, उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट और मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ, उस डायरेक्ट, उस जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है उसके यूनिट वेक्टर के साथ, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या किया, अगर इस वेक्टर का जो वाई एक्सिस के अलोंग मैग्नीट्यूड बी था, तो इसको वाई एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर है उसके साथ जे ले लिए, जे कैप ले लिए, तो ये क्या बता दिया कि ये कंप्लीट इस वेक्टर को जो रिजॉल्व करेंगे, इसका जो कंपोनेंट वाई एक्सिस के अलोंग होगा ये होगा, ठीक है। और उसी टाइप से जब इस वेक्टर को रिजॉल्व करेंगे, जो इसका कंपोनेंट होगा जे एक्स एक्सिस अलोंग, तो ये पूरा होगा, कंप्लीट होगा, ठीक है। बट अगर उसके मैग्नीट्यूड को रिजॉल्व करेंगे, तो ये होगा ए होगा और बी होगा, ठीक है। अगर वेक्टर को रिजॉल्व करेंगे, तो ए आई होगा और बी जे होगा, ए आई होगा, ठीक है। अगर मैग्नीट्यूड, अगर इसका मैग्नीट्यूड कुछ होता, अगर पता होता मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड को अगर रिजॉल्व करते एक्स के अलोंग, तो ए आता, और मैग्नीट्यूड को रिजॉल्व करते वाई के अलोंग, तो ये बी आता। यहाँ बच्चा को कंफ्यूजन होता है, बच्चा इस चीज को मैग्नीट्यूड ही समझ लेता है, ए आई इज नॉट अ कंप्लीट मैग्नीट्यूड, ए इज अ मैग्नीट्यूड, ए आई इज अ वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, और बी जे इज अ वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, एंड व्हाट वेक्टर, द कंपोनेंट ऑफ दिस इज सी वेक्टर अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन माइंड में नहीं रखना है। ए जो है अकेला, वो क्या है, इसके मैग्नीट्यूड, सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का कंपोनेंट है एक्सिस के अलोंग, और बी जो है सी वेक्टर का जो है उसके मैग्नीट्यूड का कंपोनेंट है वाई एक्सिस के अलोंग, बट ए आई जो है सी वेक्टर का कंपोनेंट है, सी वेक्टर का कंपोनेंट है एक्स एक्सिस के अलोंग, और बी जे जो है सी वेक्टर का कंपोनेंट है वाई एक्सिस के अलोंग, ठीक है। अपने को अगर मैग्नीट्यूड भी पता हो, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर एक्स कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलोंग मैग्नीट्यूड भी पता हो, तो उस वेक्टर को हम लोग उस जो वेक्टर है उस वेक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं आई जे के फॉर्म में। कैसे, मैग्नीट्यूड के साथ क्या लगा देंगे, उस वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर है, जो उस वेक्टर के साथ क्या लगा देंगे, यूनिट वेक्टर ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है। तो जैसे मैग्नीट्यूड पता था ए, तो लगा दिए इसके साथ आई, यूनिट वेक्टर ऑफ अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है, ठीक है। उस जैसे मैग्नीट्यूड बी पता था, तो यूनिट वेक्टर का लगा दिए इसके साथ वाई एक्सिस के का। तो ये चीज कंफ्यूजन नहीं करें, क्योंकि एक एक चीज डिस्कस कर रहा है, बच्चा को यहां भी दिक्कत होता है, ठीक है। ये इसलिए बता रहा है क्योंकि ये मेरे साथ दिक्कत हो रहा है, इसलिए बता रहा है, ठीक है। जो बच्चा एक गांव देहात से आता है ना, जो कभी नहीं इसके बारे में पता है, कुछ इस टाइप से जाना है, कभी वेक्टर उसको पता नहीं है वेक्टर स्केलर क्या होता है, ठीक है, तो उसके साथ दिक्कत होता है, और वो यहां पे कंफ्यूजन होता है।
सर कभी आप वेक्टर बोल देते थे, कभी मैग्नीट्यूड बोल देते थे, तो दोनों एक ही चीज है। मैग्नीट्यूड में डायरेक्शन लगा दिए, मैग्नीट्यूड में यूनिट वेक्टर लगा दिए, लिख दिए उस एक्सिस के अलोंग, तो वो वेक्टर हो गया। ठीक है, अगर अकेला अगर मैग्नीट्यूड ले रहे हो तो ओनली मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड का कंपोनेंट ले रहे हो तो ओनली आपको मैग्नीट्यूड मिलेगा। बट उस एक्सिस के अलोंग अगर यूनिट वेक्टर लगा दिए उस एक्सिस का, तो वो क्या दे देगा, उस वेक्टर का कंपोनेंट दे देगा उस एक्सिस के अलोंग। तो माइंड में इतना बैठा लेना। ठीक है, तो देखो हम लोग आज के क्लास में हम लोग अभी तक क्या पढ़ चुके थे, वेक्टर को रिजॉल्व कैसे कर सकते हैं। ठीक है, वेक्टर को रिजॉल्व कैसे कर सकते हैं, हमेशा वेक्टर को रिजॉल्व करेंगे, एक बार और निचोड़ जान जाओ, हमेशा वेक्टर को किसी भी वेक्टर को रिजॉल्व करेंगे कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलोंग। और कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर, मतलब दो कोऑर्डिनेट एक्सिस वैसे परपेंडिकुलर ही होता है, दो परपेंडिकुलर एक्सिस के अलोंग ही हम लोग रिजॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और ये एक्सिस जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है ये किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, बट बोथ कोऑर्डिनेट एक्सिस शुड बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, ठीक है, ये परपेंडिकुलर एक दूसरे से होना चाहिए, कोई जरूरी नहीं है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही हो। ये कोऑर्डिनेट एक्सिस जो है, कोऑर्डिनेट एक्सिस जो है, कोऑर्डिनेट जो सिस्टम है हमारा, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, कितना भी एंगल पे हो सकता है, बट जो उसका जो कोऑर्डिनेट सिस्टम का जो अपना प्रॉपर्टी है कि तीनों एक्सिस जो है एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होता है, वो हमेशा वैलिड होना चाहिए, अदरवाइज कोऑर्डिनेट सिस्टम ही नहीं वैलिड है। अगर एक्सिस अगर एंगल उस एक्सिस के बीच में अलग अलग आ जाए तो वो कोऑर्डिनेट सिस्टम ही डिफाइन नहीं है। ठीक है, तो ये आपको इतना समझ में आ गया। और जो हम लोग फोर्स लिए थे, कोई ये भी हो सकता है, अगर मान लो कोई एक बॉडी है जो इस डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, ठीक है, और ये हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री फुट, मान लो ये 60 डिग्री है, बहुत 30 चला, ठीक है, ये वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में, जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 5 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना क्या होता है, स्पीड होता है ना, अगर नहीं पता तो इतना अभी रख लो माइंड में, ये सब चीज काइनेमेटिक्स जब हम लोग पढ़ेंगे तो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्पीड बोलते हैं। तो ये कुछ इस टाइप से 5 मीटर पर सेकंड है, तो आपको क्या करना है, इसका भी कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलोंग रिप्रेजेंट करना है, तो एक्स और वाई के अलोंग रिप्रेजेंट करो। ठीक है, अगर आपको मैग्नीट्यूड पता है, आपको अगर मैग्नीट्यूड पता है तो क्या करोगे, डायरेक्ट एक्स और वाई एक्सिस का जो हमारा क्या है, जो यूनिट वेक्टर है, उसके मैग्नीट्यूड के साथ लिख लो कुछ इस टाइप से। तो देखो वी वेक्टर को वेक्टर के फॉर्म में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हैं हम लोग, कैसे लिख सकते हैं, देखो तो इसका जो एक्स कंपोनेंट आएगा ये कितना आ जाएगा, क्या बोले थे कि कोई भी वेक्टर अगर किसी भी एक्सिस के अलोंग एक्सिस के साथ एंगल बनाता है तो उसके साथ कॉस का टर्म आता है, ये कितना हो जाएगा 5 cos 30 डिग्री। ठीक है, और ये किधर की ओर आया, एक्स एक्सिस के अलोंग, तो इसके साथ हम लोग क्या ले लेंगे, यूनिट वेक्टर ऑफ एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है वो आई। और ठीक इसी तरह जो इसका इस वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट है ये कितना आ जाएगा 5 sin 30, और इसके साथ क्या करेंगे हम लोग, इसके साथ क्या करेंगे हम लोग, जो वाई के अलोंग आ रहा है ये ना, तो वाई के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है, तो अगर वो यूनिट वेक्टर इस टाइप से वाई के अलोंग लिख दें, ये कंप्लीट एक वेक्टर VA जो वेलोसिटी है, अब हुआ ये एक वेलोसिटी, ठीक है, अब ये वेलोसिटी हुआ। ठीक है, तो ये देखो ये 5 cos 30 कितना होगा, 60 एंगल बना रहा है, 60 एंगल बना रहा है, अगर ये 60 है तो 30 ले कर भी कर सकते हो, 30 अगर लिया तो ये क्या हो जाएगा, ये इधर इसके अलोंग y कंपोनेंट आ जाएगा 5 cos 30 और ये हमारा जो ये है x के अलोंग ये क्या आ जाएगा sin 30। ठीक है, अगर उल्टा एंगल लिए तो आपके माइंड में एक ही चीज रहना चाहिए, जिसके साथ एंगल बनाएगा उसके साथ cos का टर्म आएगा और दूसरे वाले एक्सिस के साथ sin का टर्म आएगा, ये माइंड में इतना रखना, बाकी ज्यादा कुछ नहीं रखना है। ये हो जाएगा 5 cos 30 हाफ, ये कितना हो जाएगा 5/2। ठीक है, ये आई हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे साइन 30 कितना हो जाएगा √3/2, ये कितना हो जाएगा 5√3/2। ये कंप्लीट एक वेलोसिटी का रिप्रेजेंटेशन हुआ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, मतलब एक वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन। फिर हम लोग क्या किए थे, वही चीज सेम चीज, उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को हम लोग क्या किए थे, रिजोल्व कर लिए थे दो कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलोंग, और फिर उस कोऑर्डिनेट एक्सिस का जो यूनिट वेक्टर है उसके साथ हम लोग इस टाइप से लिख दिए आई और जे इस टाइप से, क्योंकि अपने को पता है कि एक्स जो एक्सिस है उसके अलोंग यूनिट वेक्टर क्या होता है, आई कैप होता है,
जो वाई एक्सिस के लिए यूनिट वेक्टर क्या होता है वो जे कैप होता है, और के एक्सिस के अलावा जो यूनिट वेक्टर होता है वो क्या होता है के कैप होता है। ये चीज अपने को पता था, और हम लोग को पता ये भी पता है किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन को दिखाने के लिए उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर चाहिए अपने को, ठीक है। अगर किसी भी वेक्टर को हम लोग क्या कर सकते हैं, कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसके मैग्नीट्यूड और उसके यूनिट वेक्टर के साथ, मतलब कैसे, अगर कोई वेक्टर ए वेक्टर है तो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड पता, क्योंकि वेक्टर को रिप्रेजेंट, अगर पूरा वेक्टर कोई एक वेक्टर है उसको डिफाइन करने के लिए अपने को क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड तो पता है अपने को, और डायरेक्शन के लिए क्या चाहिए, उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर। तो अगर यूनिट वेक्टर के साथ इस टाइप से अगर लिख दें हम, तो ये हमारा एक कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर हो जाएगा। ए ये मैग्नीट्यूड बता दिया और ये डायरेक्शन बता दिया यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो दैट्स व्हाई देखो यही यहां पे हुआ, देखो ये 5 cos 60 जो है ये यूनिट बता दिया, और आई कैप जो है ये एक्सिस के अलावा यूनिट वेक्टर है वो क्या बता दिया, ये कंपोनेंट जो है 5 to 2 इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड का वो किधर की ओर है, एक्स एक्सिस के अलावा। उसी तरह 5√3/2 जो है ये जो वेक्टर का जो हमारा स्पीड, ये इसका वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है स्पीड, इस स्पीड का जो कंपोनेंट आ रहा है वाई एक्सिस के अलोंग, ये कितना आ रहा है 5√3/2। क्यों वाई एक्सिस के अलोंग कैसे पता चला, क्योंकि इसके साथ वाई एक्सिस का यूनिट वेक्टर जे कैप है। इसको उल्टा उल्टा करके भी सोच सकते हो, जैसे ये चीज सोचना पड़ेगा आपको, ठीक है। एक क्वेश्चन से ही बहुत सारा क्वेश्चन निकालना है आपको, ठीक है। ये चीज आप देखो, एक चीज और अब देखो, यहां पे आपके पास ये आ गया, ये इधर कितना आ गया, ये मैग्नीट्यूड कितना है 5/2 एक्सिस के लॉन्ग, और वाई एक्सिस के लॉन्ग कितना है 5√3/2। जब हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट आईजे में लिखते हैं तो उस वेक्टर को जो अगर हम लोग अगर एक ट्राइंगल फॉर्म में लिखते हैं तो कुछ इस टाइप से आता है, राइट एंगल ट्राइंगल बनता है, आई का टर्म एक्सिस के अलोंग का टर्म और वाई एक्सिस के अलोंग का टर्म दोनों मिलके क्या कंपोनेंट मिलके क्या बनता है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। अगर हम लोग बेस और परपेंडिकुलर, ये क्या है एक बेस है और ये परपेंडिकुलर है, अगर हमारा ये थीटा है तो ये एंगल, ठीक है, तो ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर करके एड करके अंडर रूट करेंगे तो ये जो मैग्नीट्यूड है ये मैग्नीट्यूड आना चाहिए, आया आ रहा है या नहीं, देखो 5√2 होल स्क्वायर प्लस 5√3/2 का होल स्क्वायर, देखो 5 ये कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 by 4 और 5√3, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 और √3 का स्क्वायर 3, 25 × 3 = 75 / 4। जब इसको रिजॉल्व करोगे ये कितना आ जाएगा 100 by 4 को क्या होगा 25, और 25 का जो रूट होगा वो कितना हो जाएगा 5। देखो ये मैग्नीट्यूड आ रहा है कि नहीं, ये चीज बताया थे आप लोगों कि कभी भी कोई वेक्टर ai + bj + ck के फॉर्म में हो तो उस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है, उस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है ये क्या होता है √a² + b² + c² होता है, ठीक है। ये चीज बताया हुआ पहले, एक बार फिर यहाँ पे डिस्कस कर दे रहे हैं, क्या करते हैं ijk उसका जो कोएफिशिएंट होता है उसको स्क्वायर करके एड कर देते हैं, फिर उसके ऊपर रूट लगा देते हैं, ठीक है। ये चीज सारा चीज डिस्कस कर दिए, देखो यहाँ पे बहुत सारा चीज डिस्कस हो गया, पिछले जो पहले जो पढ़ाए थे वो, अभी जो पढ़ा रहे वो, और आने वाला चीजें जो आपको लिंक कर रहे हैं वो, ठीक है। इस चीज को कैसे भी तोड़ मरोड़ो, साइंस यही एक चीज है, साइंस हर जगह रिलेट करता है एक दूसरे से अपने आप, इसको जैसे तोड़ मरोड़ो, ये रटने वाला चीज नहीं है, ईस्वी सन नहीं है कि इस ईस्वी में ऐसा हुआ था ऐसा हुआ था, यहाँ पे हर चीज एक दूसरे से रिलेट है, और इधर से तोड़ के इधर और इधर से तोड़ के इधर कर सकते हो। जिस दिन ये चीज करने आ गया ना आपको तो साइंस के साथ खेलना स्टार्ट कर दोगे, और उस दिन आपके हाथ से क्वेश्चन निकलना स्टार्ट हो जाएगा। और यही चीज मैं करवाना चाहता हूं आप लोग से कि आप लोग खुद से तोड़ मरोड़ो क्वेश्चन को, खुद से क्वेश्चन के साथ खेलो, तब आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाओगे, ठीक है। और बच्चा बोलता है ना कि सर हम इतना पढ़ लिए इतना प्रैक्टिस कर लिए फिर भी नहीं हो रहा, कारण यही है क्वेश्चन को आप पढ़े नहीं हो, आप क्वेश्चन को समझे नहीं हो, आप क्वेश्चन को रटे हो, फॉर्मूला को रटे हो, कंसेप्ट को रटे हो, डायरेक्ट आप कंसेप्ट के साथ खेलो नहीं, खेले नहीं हो, खेलो इस टाइप से तोड़ो मरो इधर उधर करो, ये चीज आपको आना चाहिए। आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग एडिशन ऑफ वेक्टर पर पढ़ेंगे, क्योंकि देखो हम जल्दीबाजी नहीं कर रहे इसीलिए कि एक एक चीज को आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि एट द एंड आपको एग्जाम में परफॉर्म करना है, आपको एग्जाम में जाके लिखना है, आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन, और इसीलिए एक एक चीज एक एक क्लास में एक छोटा छोटा चीज को डिस्कस करना है ताकि आपको दिक्कत नहीं हो,
क्योंकि जो बच्चा एक फ्रेशर बच्चा आता है ना गांव देहात से, उसके लिए ये भी बहुत बड़ा चीज है। और इसके लिए क्योंकि मेरे मैं अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो मेरा फोकस पॉइंट हर एक स्टूडेंट का है, जो तेज है वीक है सब, तो सबके लिए सब कुछ होना चाहिए एक लेक्चर में। और इतना बेसिक से पढ़ाई करवाया जाए उसके लिए कि ताकि सभी बच्चे को लगे कि हाँ हम पढ़े। और क्वेश्चंस के साथ खेलो, कॉन्सेप्ट्स के साथ खेलो, क्वेश्चन को एज्यूम मत करो कि ऐसा होगा, आप देखो करके उल्टा पुल्टा, गलत ही चीज होगा ना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सीखने को मिलेगा आपको। अगर आप सीख रहे हो अभी तो, फ्रेशर आए हो तो आपको सीखो अभी, रेदर देन क्या रटना ट्रिक। एक ट्रिक का बहुत बड़ा होगा चला दिया है, ट्रिक ये ट्रिक लगा दो, ट्रिक कोई ट्रिक फ्रिक नहीं, बर्बाद हो जाओगे ट्रिक के फिर में। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। एक नए सेशन के साथ मिलते हैं। अगर आप लोगों को अगर सही लगा होगा तो बस मेरे मोटिवेशन के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और फिर मिलते हैं एक नए सेशन में आप लोगों के साथ जल्द, एक नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए मैं अंकित कुमार आप लोग से विदा लेता हूँ।